नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी, समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम निरंतर बात करते चले जा रहे हैं शनि महाराज के गोचर के बारे में, जो कि 24 जनवरी सन 2020 को धनु राशि छोड़ करके मकर राशि, जो उनकी स्व राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे और 17 जनवरी सन 2023 तक वो इसी राशि में रहेंगे। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बारी है सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि महाराज का गोचर जो है उनके सिक्स्थ हाउस यानी छठे भाव में रहेगा, और छठे भाव हमारा रोग, ऋण इत्यादि का होता है। तो ऐसे में जितने भी, क्योंकि शनि महाराज का हमेशा ये कहा गया कि जहां पर वो बैठते हैं उस स्थान के लिए वो अच्छा करते हैं, तो जितने भी सिंह राशि के जातक होंगे उनके लिए कुछ रोग, ऋण या शत्रुओं से कुछ ऐसी संभावनाएं होंगी, या कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा होगा, या पहले से कोई रोग होगा, तो वो अब ठीक होने की संभावनाएं उनके लिए बन जाएंगी। क्योंकि छठा घर हमारे कॉम्पिटिशन का भी होता है, तो यानी अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रवेश ले रहे हैं या कुछ ऐसा एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये गोचर उनके लिए बहुत शुभ फल लेकर के आएगा। दोस्तों, पौराणिक ज्योतिष में ये बोला गया कि जहां पर वो बैठते हैं वहां पर अच्छा करते हैं, परंतु जहां देखते हैं वहां खराब करते हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना नहीं है कि पूरी तरह खराब करते हैं, हो सकता है वहां के लिए थोड़ा वो हार्डवर्क लगाने के लिए ही एक योग बनाते हैं। तो दोस्तों, सिंह राशि के जातकों के लिए शनि की जो तीसरी दृष्टि है, उनकी तीन दृष्टियां होती हैं, तीसरी, सातवीं और दसवीं, जो तीसरी दृष्टि है वो उनके आठवें भाव पे आ रही है। आठवां भाव जो है हमारी ऑब्स्टेकल्स का भी होता है, पैतृक संपत्ति का भी होता है और गुप्त ज्ञान का भी होता है। यानी जितने भी सिंह राशि के जातक होंगे उनको कहीं ना कहीं हो सकता है अगर कुछ इनहेरिटेंस उनको मिलनी है तो उसके लेने में थोड़ा सा हार्डवर्क ज्यादा लगाना पड़ेगा, कुछ अड़चने रुकावटें आ सकती हैं। यदि कोई ऑकल्ट साइंसेस को पढ़ रहा है तो उसमें भी कुछ अड़चन रुकावट या हल्का फुल्का ब्रेक आने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा काफी चीजों में थोड़ी अड़चने रुकावटें आ सकती हैं, बट शनि महाराज कहते हैं अगर आपने हार्डवर्क लगाया तो मैं आपके साथ हूं। तो दोस्तों, सिंह राशि के जातकों के लिए यही रहेगा कि वो थोड़ा सा हार्डवर्क पर ज्यादा ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली वो कॉम्पिटिशन को भी जीत पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, उनकी सातवीं दृष्टि उनके ट्वेल्थ हाउस यानी खर्चे के स्थान पर आ रहा है, विदेश के स्थान पर आ रहा है। यानी जितने भी सिंह राशि के जातक हैं उनके खर्चों में कुछ वृद्धि हो सकती है, यानी ठीक जगह खर्चा नहीं हो सकता, प्रॉबेबली कहीं बीमारी के लिए खर्च हो सकता है, परंतु एक खुशी की बात है क्योंकि वो छठे भाव में बैठे हैं तो वो खर्चे से आपकी बीमारी ठीक भी हो जाएगी, यानी दूसरी तरफ वो आपको शुभ फल भी वो प्रदान कर रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि फालतू की चीजों पर खर्चे ना हो, अपने खर्चों को थोड़ा सा अगर वो कंट्रोल करके रखेंगे तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, प्लस उनकी हेल्थ के लिए तो ये अच्छा रहेगा ही। इसके अलावा दोस्तों, शनि महाराज की दसवीं दृष्टि उनके थर्ड हाउस पे आ रही है। थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का, पड़ोसियों का और हमारे करेज का होता है। तो जितने भी सिंह राशि के जातक हैं वो ध्यान रखें कि कहीं उनके छोटे भाई बहनों के साथ उनका थोड़ा बहुत मनमुटाव ना हो जाए, पड़ोसियों के साथ भी बना करके रखे कुछ मनमुटाव ना हो जाए, और ऐसे में क्या कि थोड़ा सा उनका करेज, हौसला कम रह सकता है। तो उसके लिए भी वो थोड़ा अपने आप को मेंटेन करके रखें, अपने मन के ऊपर काबू करके रखें, जिससे अपने हौसला, करेज, हौसले को वो बढ़ाए रखें। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल ये गोचर ही काम कर रहा होता है, गोचर बाद में काम करता है। सबसे पहले हमारी जन्म कुंडली में जो दशांतर दशा चल रही होती है वही काम करती है, जो कि हमारी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के अनुसार कुंडली जो हमारी तैयार होती है उसमें चल रही महादशा, अंतरदशा ही, यदि वो पहले से बहुत पॉजिटिव नक्षत्र में चल रही होगी तो ये गोचर इतना ज्यादा आपको तंग नहीं करेगा, पर अगर वो पहले से ही स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन में महादशा, अंतरदशा नेगेटिव रिजल्ट देने वाली होगी तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। परंतु जैसा मैंने बोला, ज्योतिष कभी डराने के लिए नहीं बनाया गया, हमेशा कर्म प्रधान ही आपको बनाता है। तो यदि सिंह राशि के जातकों को लगता है कि कुछ समस्याएं उनको इस वजह से आ रही हैं या ये गोचर उनको तंग कर रहा है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ये रहेगा कि वो हर शनिवार को काली उड़द साबुत या सरसों का तेल या देसी साबुन, ब्राउन कलर का जो हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते थे, किसी गरीब जरूरतमंद को यदि वो दान करते चले जाएंगे तो वो देखेंगे ये शनि का गोचर भी उनके लिए शुभफलदायी होता चला जाएगा। इसके अलावा कोशिश ये करें कि हर शनिवार को वो किसी गरीब बच्चे को कोई बढ़िया चीज़, यानी बर्गर पैटिस, पेस्ट्री, केक, समोसा या कोई ऐसी बढ़िया चीज़, माउथ वाटरिंग, टेम्पटिंग चीज़ अगर किसी गरीब बच्चे को वो दान करेंगे तो भी इनका ये शनि का गोचर अच्छा होता चला जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं सिंह राशि के जातकों के साथ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी, समाधान हमारा, YouTube चैनल। धन्यवाद।